मोनी ठीक हो गई अपने को, इतने सारी पेंटिंग खरीदी। उसने कहा राजकुमारी जब इतनी सारी पेंटिंग खरीदी तो मेरे पास एक बड़ी सी पेंटिंग और है, तुम ये भी ले लो, वो अच्छी पेंटिंग है। तो राजकुमारी का दिखाओ, वो महिला दिल्ली से आई तो उस महिला ने एक बड़ी सी पेंटिंग और दिखाई। राजकुमारी ये कौन? अरे तुम इनको नहीं जानते, आलम पनाह जहां पनाह भारत के आलमगीर स्वयं दिल्ली सल्तनत के बादशाह औरंगजेब खुद है। उसने अच्छा औरंगजेब ये है क्या, ये पेंटिंग भी दो एक मुझे। उसने सारी पेंटिंग ली, सारी पेंटिंग के रुपए उस बूढ़ी महिला को दिए और फिर उसका दो मिनट वेट, फिर अपनी सहेलियों का कि अपना जूता उतारो औरंगजेब वाली पेंटिंग पे मारो। सहेलियां पड़ी जो औरंगजेब वाली पेंटिंग को फूटा तो बेचारी पेंटिंग एकदम चिंदी चिंदी हो गई। उसने वो महिला को दी और कले जाके औरंगजेब का देना कि चलो मुझे फड़ी। वो महिला गई दिल्ली, उसने दिल्ली जाके औरंगजेब को कहा कि मैं तो बता भी नहीं सकती कि लड़कियों के भी तेरे को क्या क्या गालियां निकाली और यह देख तेरे पोस्टर के टोटे टोटे कर दिए। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया, औरंगजेब ने हाथों हाथ रूपनगढ़ लैंडलाइन पर फोन मिलाया। इधर चारुमती के भाई राजा हुआ करते मानसिंह, भाई का नाम क्या था? पर भाई को फोन किया, भाई मैं तुम्हारी बहन चारुमती से, मैं तुम्हारी राजकुमारी चारुमती से शादी करना चाहता हूँ। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना करे। उन्होंने कहा कि भाई साहब आओ, उसे दो दिन पहले मिस कॉल कर देना, टेंट लगा के तैयार रखेंगे। ये बात चारुमती को पता चली कि मेरे घर वाले मेरी शादी किसे करने जा रहे हैं, औरंगजेब उसने मना कर दिया कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी औरंगजेब से किसे कर सकते हो, किससे पूछ के तुमने मेरी शादी औरंगजेब से तय की। भाई ने कहा तूने किससे पूछ के पोस्टर फटा, कांड किया तो भुगतना तो पड़ेगा। राजकुमारी ने कहा कि नहीं तुम मेरी थोड़ा ऊंचा कर